अस्सलामुअलैकुम। नाइन्थ केमिस्ट्री लेक्चर टू में एक बार फिर आपको खुश आमदीद का मतलब। लास्ट लेक्चर हमने जो पढ़ा था इसके मेजर टॉपिक्स आपके सामने लिखे हैं, यूनिवर्स, साइंस, केमिस्ट्री एंड फंडामेंटल ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। आज आपसे छोटे सी तीन चार क्वेश्चन क्विज पूछ लेते हैं। लास्ट टाइम हमने कहा था यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ द थ्री मेजर थिंग्स, कौन सी थी वो तीन चीजें, थ्री मेजर थिंग्स। याद है आपको, नंबर वन इज मैटर, नंबर टू इज एनर्जी एंड नंबर थ्री इज स्पेस। नंबर थ्री इज स्पेस। नेक्स्ट एक और आपसे सवाल है, केमिस्ट्री किस चीज पे इंसार करती है, डिपेंड केमिस्ट्री किस चीज को बेसिक स्टडी करती है। इसका आंसर है कंपोजिशन, कंपोजिशन को स्टडी करती है। नेक्स्ट आपके पास हम अगले आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। टुडे टॉपिक्स में आप देखिए कि सबसे पहला हमारे पास जो टॉपिक है मैटर, व्हाट इज द मैटर। कल मैटर के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन हुई थी लेकिन आज हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं। व्हाट इज द मैटर, मैटर एनीथिंग विच हैज द मैस एंड ऑक्यूपाई द स्पेस। यानी कोई भी ऐसी चीज दुनिया की जिसके पास मैस हो और वो ऑक्यूपाई करे स्पेस, ऑक्यूपाई करे जगह भी है। यानी फॉर एग्जांपल आपके पास देखें कि एक डेस्क है, एल्यूमिनियम प्लेट है, आयरन प्लेट है, इसका कोई ना कोई मैस होगा। फॉर एग्जाम्पल 5 kg है, इसके कोई ना कोई जगह घेरेंगे जिसे हम वॉल्यूम करेंगे, यानी 10 cm³ है। तो इट इज कॉल्ड एज द मैटर। यानी ऐसी चीज जो मैस भी रखती हो और जगह भी घेरती हो उसे हम मैटर कहते हैं। मैटर कंसिस्ट ऑफ द टू थिंग्स, मैटर दो चीजों से मिलकर बना। मैटर कितनी टाइप्स कैन मेजर, टू टाइप्स हैं आपके पास, सब्सटेंस, सब्सटेंस एंड मिक्सचर। सब्सटेंस एंड मिक्सचर, व्हाट इज द सब्सटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है सब्सटेंस क्या, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड एज द सब्सटेंस। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, मादे की खालिस हालत, अब इसकी एग्जांपल क्या होगी, अगर मैं आपको एक पीस दूं कॉपर का, कॉपर पीस और मैं कहूं इट इज द 100% कॉपर, वो क्या होगा, सब्सटेंस होगा। अगर आपके पास हाइड्रोजन है इन प्योर फॉर्म में, सब्सटेंस है आपके पास, सब्सटेंस आपके पास प्योर फॉर्म में पाया जाता है, जबकि मैटर की इन प्योर फॉर्म इज कॉल्ड एज द मिक्सचर। इन प्योर फॉर्म, फॉर्म ऑफ मैटर, मादे की ना खालिस हालत, इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर में फॉर एग्जाम्पल आपके पास मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को आपने डिसॉल्व किया वाटर के अंदर, सिरप मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, या आपके पास मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड दूध, आपके पास मिक्सचर है, इसमें प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी है। नेक्स्ट आपके पास कोक, कोक हम पीते हैं,
कोक क्या है? मिक्सचर है, एयर हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, मिक्सचर है। अब कैसे हवा मिक्सचर? ये आपके लिए इंफॉर्मेशन है कि एयर डिफरेंट गैसेस में मुश्किल है, हाइड्रोजन पे है, ऑक्सीजन पे है, नाइट्रोजन पे है, नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, और लेस क्वांटिटी में हाइड्रोजन अवेलेबल है, आर्गन है, यानी आपके पास गैसेस अवेलेबल है, इन सब का मिक्सचर इकट्ठे है, नॉट अ केमिकल फिजिकल, ये कंबाइंड है, इसे हम एयर कहते हैं, और ये मिक्सचर है। यानी इसके अगर मैं एग्जांपल लिखूं तो ये Cu कॉपर होगा, आयरन होगा, ये सारे सब्सटेंस हैं, और अगर मैं इसके एग्जांपल्स लिखूं तो इसमें एयर, मिल्क, कोक, ये सब इसके एग्जांपल हैं। अब आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सब्सटेंस एंड द मिक्सचर, सब्सटेंस और मिक्सचर में क्या फर्क है, तो आपने ये लिखना है कि द सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ द pure form of the matter and mixture is the impure form of the matter. Next आपके पास है element. First of all हम ये देख लेते हैं कि substance consists of the two things. Number one is the element and number two is the compound. नेक्स्ट आपके पास जो मिक्सचर है, मिक्सचर की भी टू फॉर्म्स होती है। नंबर वन आपके पास होमोजेनियस मिक्सचर और नंबर टू आपके पास हेटेरोजेनियस या हेट्रोजेनियस मिक्सचर। नेक्स्ट हम बारी बारी इन सबको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एलिमेंट है, एलिमेंट जैसे आपके पास हाइड्रोजन, इट इज द एलिमेंट, कार्बन एक एलिमेंट है, कंपाउंड और एलिमेंट में बेसिक ये फर्क है कि एलिमेंटल एलिमेंट इज द फंडामेंटल, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन क्लोरीन इट इज द इन एटॉमिक फॉर्म, बट इन कंपाउंड इन द मॉलिक्यूलर स्टेट फॉर एग्जांपल H2O, व्हेन द elements combined together they form the compound. Elements ki do definition hai, ek greek ancient greek ne di, greek ne ye kaha ki elements is the smallest fundamental unit which cannot be further divided. Modern definition of element ye kehti hai, nayi definition of ye kehti hai ki element consists of the atom, element consists of the atom which cannot be further divisible, to taqseem nahi kiye ja sakte. Element consists of atoms, for example hydrogen element hai, chlorine element hai, oxygen element hai, nitrogen element hai, ye sare hamare paas elements. इसके बाद आपके पास जो कंपाउंड है, व्हाट इज कंपाउंड? फिक्स्ड रेशियो, फिक्स्ड रेशियो ऑफ द कंबाइंड एलिमेंट, एलिमेंट्स आपस में जुड़े हैं फिक्स्ड रेशियो, इसे हम क्या कहेंगे? कंपाउंड कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास वाटर है, तो वाटर में H2O दो हाइड्रोजन अटैच हुए किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, तो इट इज अ कंपाउंड, इट इज अ कंपाउंड. नेक्स्ट देखें आपके पास एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स डिफरेंट कंपोजिशन में इस एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं. For example, oxygen एक element है, but in the air it is present round about the
21%, but in the ocean it is present 85%. यानी आपके पास जो एलिमेंट है इनकी एनवायरनमेंट के लिहाज से मुख्तलिफ रेशियो होगी, जैसे आर्गन 0.08% अवेलेबल है एयर के अंदर। यानी तीन आपके पास मीडियम्स हैं, नंबर वन इज द ओशन, नंबर टू इज द एनवायरनमेंट एंड नंबर थ्री इज द अर्थ क्रस्ट। व्हाट इज द अर्थ क्रस्ट? अर्थ क्रस्ट क्या होता है? जमीन की ऊपर वाली लेयर, लेयर अर्थ की लेयर, इसे हम क्या कहते हैं? अर्थक्रस्ट। अर्थक्रस्ट में कंपोजिशन और होगी, ओशन में और होगी, आप किताब से डिफरेंस देख सकते हैं इन तीनों में। नेक्स्ट आपके पास है कोई भी एलिमेंट, एलिमेंट को जाहिर किया जाता है, एलिमेंट को शो किया जाता है। किससे शो किया जाता है? जैसे किसी भी इंसान का नाम होता है, कोई ना कोई नाम होता है, बेनाम तो कोई चीज नहीं होती। इसी तरह से आपके पास एलिमेंट को शो करते हैं, किस चीज से शो करते हैं? सिंबल से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? सिंबल से। सिंबल कैसे बनता है? सिंबल अल्फाबेट्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल ए बी सी में से हो सकता है, लैटिन में से हो सकता है, अल्फाबेट लैटिन में से हो सकता है, ये टू अल्फाबेट्स को कंबाइन किया जा सकता है। जैसे अगर आपके पास एच लिखा होगा तो आप ये अंडरस्टूड है इट इज द हाइड्रोजन। ये कैसे पता चला? इस तरह से पता चला कि हाइड्रोजन इज द सिंबल, एच इज द सिंबल ऑफ द हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम का सिंबल है। अगर मैं यहां पे सी लिखूंगा तो इट इज नॉट अ सी, इट इज अ कार्बन। व्हाई इट इज अ कार्बन? कार्बन क्यों है? क्योंकि इट इज द सिंबल ऑफ कार्बन। इसी तरह से आपके पास एयू गोल्ड, एजी सिल्वर, याद रखिएगा जब दो वर्ड यूज हो सिंबल बनाने में तो फर्स्ट इज द कैपिटल एंड सेकंड ऑलवेज इज द स्मॉल। नेक्स्ट आपके पास सिंबल आ गया, सिंबल की समझ आ गई आपको कि हाइड्रोजन होगा, कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, ये सब चीजें आप क्या करेंगे? शो करेंगे। किस चीज को? एलिमेंट को शो करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इसी तरह से जैसे आप एलिमेंट को शो करने के लिए सिंबल इस्तेमाल करते हो तो कंपाउंड को भी सिंबल से शो करते हैं, लेकिन उन्हें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। क्या आप किसी मॉलिक्यूल को शो कर रहे हो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, आप किसी आयोनिक कंपाउंड को शो कर रहे हो तो फॉर्मूला यूनिट होगा, और आप क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल H2O आपके पास है, पानी, तो पानी H2O इज द फॉर्मूला। इसमें दो सिंबल इकट्ठे हैं, एक हाइड्रोजन का सिंबल, एक ऑक्सीजन का, इसने मिलकर कितने सिंबल बनाए? एक सिंबल बनाया है। वो किस चीज का सिंबल बनाया? वाटर का। किसका बनाया? पानी का सिंबल बनाया। अब पानी का सिंबल हमें बताता है कि इट इज द कंपाउंड एंड द फॉर्मूला ऑफ वाटर। नेक्स्ट आपके पास है कि जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स बिहेव कैसे करते हैं? जब ये कंबाइन करते हैं, एलिमेंट्स जब आपस में कंबाइन करेंगे, जुड़ जाएंगे, तो ये बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है? इट इज द अट्रैक्टिव फोर्सेस, फोर्सेस बिटवीन द एटम्स, बिटवीन द एटम्स, एटम्स के दरमियान ये क्या होते हैं? फिक्स हो जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास बॉन्ड बनेगा, तो बॉन्ड बेसिकली आपके पास तीन तरह का होगा, ये क्या है? चार तरह का होगा। आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड। इन्हें हम चैप्टर नंबर 4 में स्टडी करेंगे कि ये बॉन्ड्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं,
कैसे बनते हैं। तो बेसिकली अगर मैं ओवरव्यू देखूं कि सब्सटेंस क्या चीज है आपके पास, सब्सटेंस प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, मिक्सचर क्या चीज है आपके पास, इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, नेक्स्ट आपके पास देखें कि जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स आर द एटम, ये बेसिक एलिमेंट्स एटम है जो कंबाइन करते हैं, जो एनवायरमेंट बनाते हैं, ये आपके पास ओशन हो या आपके पास एयर है, एटमॉस्फेयर है, ये हर जगह पर रहता है। अच्छा आपको एक बात लास्ट पता है कि व्हाट इज द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर द स्पेस अराउंड द स्पेशल स्पेस अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर इन विच द एयर इज प्रेजेंट, यानी कि आपके पास अर्थ है, इसकी एनवायरनमेंट आपके पास, ये एनवायरनमेंट है, इसे आप एटमॉस्फेयर कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, एटमॉस्फेयर। बट जमीन पे तो ओशंस नहीं है, ये ओशन है, यहां पे वाटर अवेलेबल है, तो इसे आप हाइड्रोस्फेयर कहेंगे, क्या कहेंगे, हाइड्रोस्फेयर, जहां पे आपके पास वाटर अवेलेबल है उसे आप क्या कहेंगे, हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर। नेक्स्ट आपके पास जो है, जो ये अपर लेयर है, इट इज कॉल्ड एज द अर्थ क्रस्ट, इट इज कॉल्ड एज द अर्थ क्रस्ट, यानी जो अपर लेयर ऑफ द अर्थ है इसे आप क्या कहेंगे, अर्थ क्रस्ट कहेंगे, क्या कहेंगे, अर्थ क्रस्ट कहेंगे। तो नेक्स्ट आपके पास जो नेक्स्ट ईयर टॉपिक्स हमारे पास होंगे मेटल, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, वैलेंसी, इनको हम डिस्कस करेंगे। आज हम यहीं तक रखते हैं, और एक सवाल है आपके पास कि एलिमेंट और कंपाउंड में क्या फर्क है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह लेक्चर 3 में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।